दोस्तों, मैं अनिल सैनी और स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर्स एट साइट पर। और मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि जब हम कॉलम या बीम की कास्टिंग करते हैं तो हम क्या क्या गलतियां कर देते हैं, तो उन गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। और बाई चांस वो गलतियाँ अगर हो भी जाती हैं तो उन्हें फॉर्मवर्क हटाने के बाद तुरंत सही कर देना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पर एक कॉलम को कास्ट किया गया था, तो इस कॉलम में जो मसाला बनाया गया उसमें वर्केबिलिटी को अच्छे तरीके से नहीं देखा गया कि वर्केबिलिटी कैसी है। उसमें सिर्फ जो हमारे मसाले में जो रोड़ी सीमेंट बदरपुर मिलाया गया वो अच्छे तरीके से नहीं मिला गया, जिससे क्या हुआ है, ये हमारा जो स्टील वर्क है वो अपना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ये देखिए, स्टील जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इससे क्या होगा कि ये स्टील जो है बाद में जंग खा जाएगा और यहाँ पर अच्छे से स्ट्रेंथ नहीं बनेगी और क्रैक डेवलप हो जाएगी कॉलम के अंदर। और ये देखिए, ऊपर भी ये देख सकते हैं कॉलम को कितने ख़राब तरीके से कास्ट किया गया है और इसको बाद में रिपेयर भी नहीं किया गया फॉर्म वर्क को हटाने के बाद। तो आइए मैं एक और ऐसी जगह, ये तो कॉलम हो गया, मैं आपको बीम की तरफ लेके चलता हूँ जिसमें बीम में भी कुछ ऐसी गलतियाँ की गई हैं। यहाँ देखिए, ये एक बीम है और हाँ, एक गलती और ये की गई थी इस कॉलम को कास्ट करते समय, देखिए हम जो गाबड़ी जिसको बोलते हैं साइड की लैंग्वेज में, सबको हटा देना चाहिए, लेकिन उस समय ये नहीं हटाया और ये क्या करती हैं हमारे कॉलम की या बीम की स्ट्रेंथ को कम कर देती हैं। और यहाँ पर भी देखिए, ये कॉलम में स्टील क्लियर दिखाई दे रहा है हमें और यहाँ पे इसको फॉर्मवर्क हटाने के बाद रिपेयर भी नहीं किया गया। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ से क्या होता है कॉलम की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब मैं आपको बीम की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर ये बीम जो है इस तरीके से कास्ट किया गया है। ये एक बीम डला हुआ है, स्लैब है जो स्लैब से अटैच है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस बीम में जो कास्टिंग की गई है स्लैब के साथ में, ये देखिए वेल वाइब्रेशन की वजह से ये कमियाँ आती हैं हमारी जब हम इसको छत को डालते हैं। या ये वैसे तो ये बीम जो है छत के साथ में डाला गया है, अच्छे तरीके से वाइब्रेशन नहीं किया गया, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर कंक्रीट जो है हमारी ये अच्छे से फिल नहीं हुई है, आप देख रहे होंगे। और मैं आपको एक लास्ट में एक फ़ोटो भी दिखाऊंगा जिससे कि कॉलम में कैसे या बीम में क्रैक डेवलप होते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बीम के पास में ये जो है ये स्टील में जंग लगने की वजह से क्रैक डेवलप हो रखी है। ये देखिए, इससे क्या होता है स्ट्रेंथ कम हो जाती है हमारे बीम या फिर कॉलम की। मैं एक और जगह लेकर चलता हूँ आपको, दूसरी जगह। ये देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी कॉलम सॉरी बीम की जो कास्टिंग की गई है उसमें स्टील को अच्छी तरीके से कवर अप नहीं किया। देख सकते हैं आप, ये एक रिंग है जो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रिंग है, एक रिंग यहाँ पर है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, ये कास्टिंग करने के टाइम पे हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि कंक्रीट हमारे अच्छे से कवर अप हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ये देखिए, कास्टिंग करने के टाइम पर अच्छे से वाइब्रेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है स्टील हमारा अभी दिखाई दे रहा है। तो इन सब गलतियों को हमें नहीं करना है, किसी भी साइट पर होंगे या हम अपना घर भी बना रहे होंगे तो। और जब हम अगर ये बाई चांस ये गलतियाँ कभी हो भी जाती हैं तो इनको रिपेयर कैसे करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिपेयर करना। ये यहाँ पे देखिए, ये कॉलम है, इस कॉलम को जब रिपेयर किया गया है क्योंकि इसमें भी स्टील हमें उसी तरीके से दिखाई दे रहा था, तो हमने इस कॉलम को रिपेयर करवाया। तो रिपेयर करवाने के बाद कुछ इस तरीके से हमें अलग से मसाला बना करके इसके ऊपर लगवा देना चाहिए जिससे कि कॉलम की स्ट्रेंथ कम नहीं होगी और जैसे ही फॉर्म वर्क हटाया जाता है उसके तुरंत बाद ही हमें ये रिपेयरिंग का काम कर देना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था ना कि लास्ट में एक फ़ोटो ऐसा दिखाऊंगा, तो अब मेरी वीडियो का एंड होने वाला है, तो मैं आपको एक ऐसा फोटो दिखा रहा हूँ जिसमें अच्छे से कॉलम को कास्ट ना करने की वजह से कॉलम में क्रैक डेवलप हो चुकी है।
हमारे स्टील में जंग लग गया है। ये देखिए ये क्रैक नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे ही कॉलम में इस तरीके से डेवलप हो चुके दोस्तों। इसलिए हमें अपने कॉलम या बीम में जब भी कास्टिंग करें तो उसे अच्छे से कवरअप होना चाहिए, क्योंकि आपने बुक्स में ही पढ़ा होगा कि कॉलम या बीम का मिनिमम कवर ज़रूर देना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारी स्टील कवरअप हो जाती है और उस पर जंग नहीं लगता। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।